नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। स्मृति ईरानी का अमित साध से क्या है रिश्ता? अमित साध आखिर क्यों करना चाहते थे सुसाइड? बड़े एक्टर उन्हें पागल क्यों कहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको दूं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर अमित साध कौन है, क्यों इनकी इतनी चर्चा होने लगी है। अमित साध ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। कई साल तक स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अब उन्होंने चेतन भगत के पॉडकास्ट में ऐसा कुछ खुलासे किए जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस खुलासे में उन्होंने स्मृति ईरानी का भी नाम लिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने अजीज दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी रिएक्ट किया। वैसे देखा जाए तो 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर सामने आई तो कईयों को शॉक लगा। उन्हीं में से एक अमित साध भी थे। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड ने अमित साध के माइंडसेट को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। वो बताते हैं कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि एक्टिंग को भी हमेशा के लिए छोड़ना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी परेशानी में हो तो भगवान किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देता है, और यही अमित साध के साथ भी हुआ। उनके माइंडसेट को बदलने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कैसे उन्हें मालूम पड़ा कि मैं मुसीबत में हूँ। मुझे उनका फोन आया था, वो मेरी बहन की तरह हैं। उन्होंने मुझसे बात की, 6 घंटे तक हमारी बात हुई। मैंने कहा मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता, मैं जाऊंगा और पहाड़ों में रहूंगा। अमित साध को फिर स्मृति ईरानी ने समझाया और अभी भी वो अक्सर अमित को फोन करती हैं और उनसे उनका हालचाल पूछती रहती हैं। अमित साध से इंडस्ट्री छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, चिढ़ गया था मैं, बड़ी मुश्किल है ये इंडस्ट्री, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और हमेशा रहेगी, ये कभी पुराना होगा ही नहीं। सुशांत की मौत से 3-4 महीने पहले मैंने किसी ऐसे शख्स से बात की जो सुशांत को जानता था। उसने सुशांत का नंबर मांगा, मैंने कहा कि मैं सुशांत से बात करूंगा। उस इंसान ने मुझे बताया कि सुशांत ने खुद को पूरी तरह से लोगों से दूर कर लिया है और उनका नंबर भी बदल गया है। फिर मैंने सोचा कि सुशांत के घर चला जाऊं, पर उसने ऐसा करने से मना किया तो मैंने सुशांत को फॉलो नहीं किया। मेरे दिल में सुशांत से न मिल पाने का गिल्ट आज भी है। अमित साध ने आगे बताया कि उन्होंने अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपने काम में लगाया और खुद को निखारा। इसीलिए कहा जाता है कि आपदा अवसर ले आती है, और अमित साध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतना टूटने के बाद भी उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार। We'll be right back.